हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे वॉर्म चेन फॉर न्यूबॉर्न्स के बारे में, ठीक है ना। एक तुमने कोल्ड चेन सुना होगा, एक वॉर्म चेन सुनोगे आज, ठीक है ना। वॉर्म चेन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि कोल्ड चेन है, ठीक है, तो अब उसका उल्टा वॉर्म चेन होगा। कुछ वैक्सीनेशन में ही वॉर्म चेन, ठीक है ना। क्या होता है कि हम जैसे कि क्या हुआ था कुछ साल पहले हमारे सीनियर्स में ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, वॉर्म चेन। तो एकदम नया सा क्वेश्चन था, हम मतलब कि पूरे बैच में से करीबन 15-20 लोगों छोड़े किसी को नहीं पता था वॉर्म चेन। अरे यार इतना नहीं कोई जानता यार, वॉर्म चेन सुना ही नहीं है, ठीक है। रूटीन न्यूबॉर्न केयर सब पढ़ते हैं, हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट सब पढ़ते हैं, वॉर्म चेन क्या होता है, अजीब सा नाम था, तो नहीं पता था। तो उसमें से क्या हुआ था, अधिकतर बच्चों ने वॉर्म चेन की जगह कोल्ड चेन पूरा डिस्क्राइब कर दिया था किसी का उल्टा करके, ठीक है, कि वॉर्म चेन, ठीक है। तो जैसे डाइल्यूएंट्स को हम लोग रूम टेम्परेचर स्टोर करते, विटामिन ए, तो वही लिखा था कि हाँ ये रूम टेम्परेचर वाले को स्टोरेज को हम लोग वॉर्म चेन कह देते हैं। नहीं, वॉर्म चेन डिफरेंट है, वॉर्म चेन फॉर न्यूबॉर्न्स डिफरेंट है। वॉर्म चेन किस लिए यूज़ होता है बेसिकली, कि न्यूबॉर्न्स में जो हाइपोथर्मिया होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। हाइपोथर्मिया की प्रिवेंशन के लिए हम लोग मतलब एक चीज़ करते हैं जिसका नाम है वॉर्म चेन। क्या करते हैं एट डिलीवरी के समय क्या करते हैं, इंश्योर दैट द डिलीवरी रूम इज वॉर्म एंड द रूम टेम्परेचर शुड बी अराउंड 26-30 degrees Celsius। डिलीवरी रूम को वार्म रहना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहना चाहिए, 26-30 degrees Celsius का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ड्राई द बेबी इमीडिएटली, रिमूव द बेड क्लोथ्स। बेबी को तुरंत, जैसे बेबी बाहर निकला, ठीक है, ऑब्वियसली एमनियोटिक फ्लूइड से सना वाना होगा, बाहर आ सकता है, बाहर आया पता चला उसको ठंड लग गई, तो उसको तुरंत हमको ड्राई करना है और रिमूव द बेड क्लोथ्स, ठीक है ना। वेट अगर है तो वेट हो गया है तो उसको हटाना है तुरंत। रैप द बेबी विथ वार्म ड्राई क्लीन क्लोथ, रैप करना है बेबी को तुरंत वार्म ड्राई क्लीन क्लोथ से, ठीक है ना, एक गर्म सूखा कपड़े से, तो उसको सूखा और साफ कपड़े से उसको रैप कर देना है, ठीक। और कीप द बेबी क्लोज टू मदर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर बेबी, ठीक है ना। बेबी को हमने क्लोज कॉन्टैक्ट में मदर के रखना है ताकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहे, ताकि मदर की जो हीट है वो बेबी को मिल सके, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छा मेथड है और बहुत ही चीप मेथड है ऑफ प्रोवाइडिंग मतलब कि प्रिवेंटिंग हाइपोथर्मिया इन केसेस ऑफ न्यूबॉर्न। क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करा दीजिए भाई, ठीक है ना, अगर मदर को कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे, कीप द बेबी क्लोथेड एंड विल रैप द हेड कवर एंड रैप विथ हेड कवर, ठीक है ना। बेबी को क्लोथेड रहना चाहिए और रैप कर देना चाहिए उसके हेड को, उसको कवर कर देना चाहिए। मिनिमाइज बाथिंग स्पेशली इन कूल वेदर, मौसम ठंडा है, आप चाहते हो, क्या होता है कि ना लोगों को वो होता है कि बच्चे को नहलाना बहुत जरूरी, नहीं बच्चा नहाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, नहीं, कूल वेदर है, नहीं नहलाना बच्चे को इतना जरूरी नहीं है, अभी बच्चे की जान भी बनाएगी, ठीक ना, अगर हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है। हाइपोथर्मिया का मतलब प्रिवेंशन करना चाहिए, नहलाना नहीं चाहिए कूल वेदर में, राइट। कीप बेबी क्लोज टू मदर, हमेशा बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि मदर के पास रहे, इससे क्या होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है मदर और चाइल्ड में, राइट। तो इनिशियली बॉन्डिंग अच्छी होगी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अच्छा होगा, मदर को और रिस्पॉन्सिबल फील होगा, मदर कॉन्फिडेंट होगी बच्चे को लेके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हेल्प करती है। यूज़ कंगारू मदर केयर, KMC हमें यूज़ करना चाहिए, जो फ्रॉक इन ऑन बेली अपीयरेंस जो मतलब कि कहते हो कि तुम लोग की, हाँ कहते हैं ये सब नाम है कि बेबी के सर को दोनों उसमें रखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। यूज़ कंगारू मदर केयर फॉर लो बर्थ वेट स्टेबल बेबीज एंड रीवॉर्मिंग द नॉर्मल बेबी। कंगारू मदर केयर रखनी चाहिए लो बर्थ बेबी के लिए, स्टेबल बेबीज के लिए, एंड रीवॉर्मिंग द नॉर्मल बेबी, और उनको रीवॉर्म करना चाहिए नॉर्मल बेबी के लिए। शो मदर्स हाउ टू अवॉइड हाइपोथर्मिया, हाउ टू रिकग्नाइज इट एंड हाउ टू रिवॉर्म द कोल्ड बेबीज। तो मदर को बताना चाहिए कि आपको कैसे पहचानना है हाइपोथर्मिया को, क्या होता है हाइपोथर्मिया, ठीक है ना, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू रिकग्नाइज एंड रीवॉर्म द बेबी, ठीक है ना। अवॉइड करना, रिकग्नाइज करना और उसका मतलब कि रीवॉर्म करना, कैसे करना है। हीट लॉस मैकेनिज्म ऑफ न्यूबॉर्न, हीट लॉस कैसे न्यूबॉर्न्स में होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इवेपोरेशन होता है पर्टिकुलरली ऑकर सून आफ्टर बर्थ ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ऑन द स्किन ऑफ द बेबी, ठीक है। बच्चा बाहर आया तो बेसिकली वो एमनियोटिक कैविटी में था तो इवेपोरेशन हो गया, बाहर आया, ठीक है, इवेपोरेशन से स्किन से होने लगा तो क्या होगा, वो इवेपोरेशन से हीट मतलब कि क्या होगा, हीट लॉस होगा, ठीक है ना। कंडक्शन हीट लॉस फ्रॉम द बेबी आफ्टर कमिंग कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे तुमने बच्चे को कहीं टेबल वेबल पर रख दिया, टेबल ठंडा था तो उससे क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू वो हीट लॉस करेगा, राइट। कन्वेक्शन बाय द एयर करेंट विच कम्स फ्रॉम ओपन विंडोज, अगर मान लो कि लेबर रूम में खिड़कियाँ खुली हैं और खिड़की से बाहर से ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, तो बेबी क्या करेगा, अभी कन्वेक्शन के थ्रू, हवा के थ्रू उसको अपना हीट लॉस करना शुरू कर देगा। और रेडिएशन क्या है, हीट लॉस कोल्डर सॉलिड ऑब्जेक्ट इन फैसिलिटी लाइक वॉल्स,
एक होता है रेडिएशन, रेडिएशन थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि ये कोल्डर सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, वेदर इट बी वॉल, वेदर इट बी एनीथिंग, ठीक है ना, वो उसके मतलब कि उसके ले उसको लेके उसके रिलेटिव में कोल्डर सॉलिड ऑब्जेक्ट विसिटी लाइक वॉल्स, उसके रिलेटिव में क्या होगा, रेडिएशन होगा, मतलब कि हीट लॉस को रेडिएशन बोल देते हैं। तो ये बात रही तुम्हारी वार्म चेन ऑफ न्यूबॉर्न्स के बारे में बेसिकली, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।